सी गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे, घर होंगे और सुरक्षित होंगे। आज वर्ल्ड टोबैको डे और इसी के दिन आज कोशिश करेंगे कि टोबैको के कल्टीवेशन के बारे में या इसके जितने भी आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उन सभी को क्लियर कर सकें, जो कि आपके एग्ज़ाम के प्रस्पेक्टिव बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो आज कोशिश करेंगे कि टोबैको कल्टिवेशन कैसे किया जाता है या फिर उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट आपकी स्पीसीज़ कौन कौन सी है, वेराइटीज़ क्या हैं, उन सभी का जो डिस्कशन होगा यहाँ किया जाएगा। और उसके बाद उसकी जो कल्टिवेशन प्रैक्टिसेस है या फिर जो हम इंटरकल्चरल ऑपरेशन करते हैं उनके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आपको लगातार कंटिन्यू एग्रीमेंटर्स के यूट्यूब चैनल पर सीखने को मौका मिल रहा है तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है बाकी बच्चों तक पहुँचने के लिए और उन सभी तक भी ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इंपॉर्टेंट नॉलेज उनके एग्जाम तक पहुँचाने के लिए। सो गाइज, जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप हमारे बाकी सोशल मीडिया चैनल पर भी अवेलेबल नहीं हो तो जल्दी से जाके आप हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक से उनको ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहां पर आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं डेली क्विज, डेली कंटेंट, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आपके सेशन को और उम्मीद करता हूं कि ये सभी सेशंस आप पसंद कर पा रहे होंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि टोबैको क्या है, टोबैको एक ऐसी क्रॉप है जो कि कहीं ना कहीं स्टिमुलेटिव फॉर्म में यूज़ की जाती है, यानी कि एक ऐसी कमर्शियल फील्ड क्रॉप है जिसको बहुत रेयर कल्टीवेट, रेयर तो नहीं कहूँगा लेकिन आपका एक प्रकार से इसको लीगली जाकर और इस कानून व्यवस्था, यानी कि एक पर्टिकुलर अगर आपका लाइसेंस आपके पास अवेलेबल है तभी आप ग्रो करवा सकते हो इंडिया में, अदरवाइज आप टोबैको को ग्रो भी नहीं करवा सकते हो। एरिया कन्फाइंड है जहाँ पर टोबैको का कल्टिवेशन किया जाता है, क्योंकि ये एक आपकी ड्रग क्रॉप है, क्योंकि इससे आपका जो टोबैको के द्वारा अगर हम बात करें तो बीड़ी, सिगरेट, ऐसे जो आपके प्रोडक्ट हैं वो इससे प्रिपेयर किए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे वर्ल्ड नो टोबैको डे, यानी कि आज जो दिन है वो है कि हमें टोबैको को छोड़ देना चाहिए, हमें इसको लीव कर देना चाहिए। ऐसा क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं टोबैको से लाखों मौतें जो है हर साल इंडिया में नहीं वर्ल्ड में ही हो रही है ना, क्योंकि इससे आपके डिफरेंट डिफरेंट जो कंपाउंड बनाए जाते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट जो आपके मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है। अब इस यहाँ पर मैं किसी के बारे में बोलूंगा नहीं कि कौन इसकी मार्केटिंग करता है, क्या करता है, क्योंकि उससे हमें लेना देना नहीं है, क्योंकि रीजन क्या है, आज अगर हम समझदार हैं तो डेफिनेटली हम इसको यूज नहीं करेंगे, और आने वाले टाइम में यूज करने वाला कौन है, यूथ यूज करने वाला है, और यूथ कौन है, हम हैं। और डेफिनेटली अगर हम ये समझ जाते हैं कि ये अच्छा है या बुरा है तो उसके बाद हम यूज नहीं करेंगे, चाहे उसके कोई भी मार्केटिंग करे, है ना। तो वो हम डिपेंड है कि हम इसको कितना यूज करते हैं और कितना यूज नहीं करते हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपका वर्ल्ड टोबैको डे है, अगर कोई इसको कंज्यूम करता है तो आज से ही हम इसको क्विट कर सकते हैं, या हमारा कोई साथी कंज्यूम कर रहा है तो इसको हम क्विट कर सकते हैं, है ना। और एक प्रकार से ये कहीं ना कहीं पॉल्यूशन का भी जो है रीजन है, तो इसलिए 2022 का जो थीम रखा गया है वो है थ्रेट टू और एनवायरमेंट, कि ये एनवायरमेंट के लिए क्या है, एक खतरा है, थ्रेट है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा और इसको हमें दूर करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ आपका जो है आगे बढ़ते हैं, आपका टोबैको में स्टार्ट करते हैं कि टोबैको क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं बात करूं तो टोबैको का साइंटिफिक नेम जो मोस्ट ग्रोइंग स्पीसीज है, मोस्ट जो कल्टीवेटेड स्पीसीज है वो कौन सी है, निकोटियाना टोबैकम। निकोटियाना टोबैकम वो स्पीसीज है जो कि सबसे ज्यादा आपकी क्या की जाती है, यहाँ पर ग्रो करवाई जाती है, एक्सटेंसिवली ग्रो करवाई जाती है। इसकी फैमिली जो है वो कौन सी है, सोलेनेसी है, क्रोमोजोम नंबर आपका 24 है, सीड रेट इसका 3 to 5 केजी पर हेक्टेयर है, और सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट आप सब लोग जानते हैं, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर कहाँ है। मोस्टली बच्चे जानते हैं और इसका आंसर भी आप लोग, क्योंकि ये साउथ में है, ये भी थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, शायद आपको यहां पर पता लग जाए। सुनिए मेरे भाई, अभी इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि किसके लिए होता है ना, वही हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, आप इसको देखोगे तो पता लग जाएगा। ठीक है, चलिए, तो मैंने क्या बोला कि टोबैको जो आपका है, सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर कहाँ है, जल्दी से बताइए, है ना। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो टोबैको इंपॉर्टेंट फैक्ट और इंपॉर्टेंट स्पीसीज की बात करें इसमें, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मोस्ट कल्टीवेटेड टोबैको जो है वो आपके निकोटियाना टोबैकम से ही बिलोंग करते हैं, जिसके बारे में अभी हम डिस्कशन कर रहे थे, इसलिए इसका साइंटिफिक नेम भी हम लोग क्या बोलते हैं, निकोटियाना टोबैकम। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये बोला जाता है कि एक एलो टेट्राप्लोइड स्पीसीज है जो कि क्रॉस है किस चीज के बिटवीन में, आपका निकोटियाना साल्वेस्ट्रिस एंड
आपका स्पीसीज जो है टोमेटोस जो सेक्शन है उससे लिया गया है, और मोस्ट कॉमनली जो ये कोरिलेट करती है किसके साथ है, निकोटियाना टोमेटोसी फॉर्मिस इससे बिलोंग करती है, यानी कि इन दोनों का ये क्या है आपका क्रॉस है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो इसका ओरिजिन साउथ अमेरिका बोला जाता है, और आपकी जो टोटल 70 निकोटियाना की स्पीसीज है उनमें से आपकी वर्ल्ड में से 60 जो स्पीसीज है वो आपके इंडिया में मेंटेन की जाती है, बट ज्यादातर जो एरिया आपका ग्रो करवाया जाता है वो निकोटियाना टोबेकम और निकोटियाना रस्टिका के अंडर में ग्रो करवाया जा रहा है। क्या बोला गया कि मैक्सिमम जो एरिया आपका ग्रो करवाया जा रहा है वो आपका निकोटियाना टोबेकम और रस्टिका के अंडर में जो है ग्रो करवाया जाता है। उसके बाद में इंडिया के अंदर दो स्पीसीज मेनली यहां पर मैंने बोल दिया कि ग्रो करवाई जा रही है, और यहां पर निकोटियाना जो रस्टिका है वो आपका कूलर क्लाइमेट में ग्रो करवाया जाता है, यानी कि निकोटियाना जो टोबेकम है उसके अंडर में दो स्पीसीज है जो कि ग्रो करवाई जाती है, और निकोटियाना जो रस्टिका है वो कूलर क्लाइमेट जो आपका ठंडा क्लाइमेट है वहां पर ग्रो करवाया जाता है। स्पेसिफिकली कह सकते हो कि नॉर्थ ईस्टर्न आपका या नॉर्दर्न जो एरिया है वहां पर इसकी स्पीसीज ही ग्रो करवाई जा रही है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो आपका जो कल्टीवेटेड स्पीसीज है जैसे कि निकोटियाना टोबेकम और रस्टिका, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, टोबेकम जो है वो आपका देसी टाइप बोला जाता है। क्या बोला जाता है आपका देसी टाइप है, और यहां पर हम कह सकते हैं कि इसका प्लांट जो होता है वो टॉल होता है, और इसी के साथ इसके लीफ थोड़े से ब्रॉड होते हैं, और इसका फ्लावर जो है वो पिंक कलर का होता है। कैसा होता है आपका पिंक कलर का। उसी के साथ अगर हम बात करें तो निकोटियाना जो रस्टिका है इसको आप लोग विलायती या फिर कलकतिया भी बोला जाता है, और ये शॉर्ट प्लांट है, राउंड पकड़ जो है इसके क्या होते हैं लीफ होते हैं विद येलो फ्लावर। उसके बाद में है पर्पज, इन दोनों का पर्पज क्या है, तो यहां पर जो आपका निकोटियाना टोबेकम की जो स्पीसीज है वो यूज की जाती है, या इसको पर्पज इसका जो है सिगार के लिए, सिगरेट के लिए, चिरूट, बीड़ी, हुक्का और स्नफ टोबैको के लिए यूज किया जाता है, और जो आपका यहां पर निकोटियाना रस्टिका है इसका च्विंग, हुक्का और स्नफ के लिए यूज किया जाता है, इसको जो है सिगरेट या सिगार के लिए यूज नहीं किया जाता है, इसको आपको यहां पर क्या करना है याद करना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका अगला है निकोटियाना की कौन सी स्पीसीज है जो कि ऑर्नामेंटल पर्पज के लिए यूज की जा सकती है। अब आपको पता है कि बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसका देखिए फ्लावर कितना ब्यूटीफुल है ना, इसीलिए इसकी जो निकोटियाना एफिनिस स्पीसीज है ना, क्योंकि हम अभी बात कर रहे थे कि टोटल आपकी 70 स्पीसीज है जिनमें से 60 इंडिया में मेंटेन की जा रही है, उनमें से दो स्पीसीज ऐसी हैं जो आपके इंडिया में बहुत ज्यादा ग्रो करवाई जाती हैं, जैसे कि निकोटियाना टोबेकम और रस्टिका। टोबेकम जो है उसका प्लांट आपका लार्ज होता है, उसका लीफ का साइज भी ब्रॉड होता है, और इसके साथ यहां पर बात करें तो उसका जो पर्पज है उसको हम सिगार के लिए भी, सिगरेट के लिए भी, बीड़ी के लिए भी, हुक्का के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो निकोटियाना रस्टिका है वो कूलर क्लाइमेट में ग्रो करवाई जाती है, खासकर आपके नॉर्दर्न या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर। उसमें अगर हम बात करें तो उसका लीफ जो है वो राउंड आपका टाइप का है, और यहां पर उसका जो आपका फ्लावर का कलर है वो भी क्या होता है येलो होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर एक स्पीसीज और है जिसका नाम है निकोटियाना एफिनिस, ये जो स्पीसीज है वो ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए यूज की जाती है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि इसके देख सकते हो आप लीफ किस प्रकार से, तो डेफिनेटली इसको हम लोग क्या यूज कर सकते हैं आपका एज ए आपका जो है ऑर्नामेंटल। और नेक्स्ट आपका है इनमें से कुछ स्पीसीज जो है वो यहां पर क्या होती है आपका डिजीज रेजिस्टेंट होती है, तो उनको बाद में डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटीज प्रोड्यूस करने के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि बाकी स्पीसीज को क्यों रखा जाता है, बाकी स्पीसीज की मेंटेनेंस क्यों की जा रही है, क्योंकि उनको भी हम यूज कर सकते हैं फर्दर आपकी अगर डिजीज रेजिस्टेंट या इंसेक्ट रेजिस्टेंट वेराइटीज को हम लोगों ने डेवलप करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका जो टोबैको कल्टीवेटेड यहां पर आपकी जो अलग अलग टाइप है उनको किस एरिया में ग्रो करवाया जाता है उसके अकॉर्डिंग यहां पर आपका क्लासिफिकेशन या टाइप जो बताया गया है, जैसे आपका फ्लू क्यूरिंग वर्जीनिया टोबैको जो है वो आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में ग्रो करवाया जाता है, बीडी टोबैको जो है वो आपका गुजरात और कर्नाटका में ग्रो करवाया जाता है, सिगार और चिरूट के लिए तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल, हुक्का टोबैको आसाम, वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी, स्विंग एंड सनफ तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम एंड यूपी, एंड आफ्टर दैट नट्टू, बर्ले एंड लंका एंड HDBRG, ये टोबैको आपका आंध्र प्रदेश में ग्रो करवाया जाता है, और पिक्का टोबैको जो है वो आपका ओडिशा में ग्रो करवाया जाता है। तो यहां पर इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन जो होता है वो एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर हम बात करें
जी बिल्कुल, यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है कि सर आंध्र प्रदेश राजामुद्री, बिल्कुल राजामुद्री के अंदर क्या है, आपका सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, तो उसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही है, राजामुद्री आंध्र प्रदेश में ही है। लेकिन यहाँ पर उसके बाद एक क्वेश्चन है टोबैको फॉर कल्टिवेशन, आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन लाल बाबू चौधरी। एंड नेक्स्ट राहुल सर, फीस क्या है आपकी आईबीपीएस एफओ की तैयारी के लिए, अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो आज तक तो आपका 10,000 ऑनलाइन के लिए, अदरवाइज आपका 12,000 ऑफलाइन के लिए, 15 और 17, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं आपका, तो बाकी क्वेश्चन प्लीज वीडियो के एंड में पूछ लेना, आपको टाइम दे दिया जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर क्लाइमेट, इसके लिए सूटेबल क्लाइमेट क्या है, तो सूटेबल क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए लिबरल वेल है ना, इसके अंदर अगर हम बात करें तो वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल जो होती है वो रिक्वायर्ड होती है, ज्यादा पानी अवेलेबल इसके लिए नहीं होना चाहिए, लेकिन ह्यूमिड क्लाइमेट इसके लिए रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं ये मेजरली जो है साउथ इंडिया में ग्रो करवाया जाता है, और साउथ इंडिया में क्लाइमेट कैसा है आपका, साउथ इंडिया में क्लाइमेट है आपका ह्यूमिड क्लाइमेट है ना, तो मैक्सिमम जो आपकी यहां पर स्पीसीज ग्रो करवाई जा रही है वो आपकी कहां ग्रो करवाया जा रहा है, आपका साउथ इंडिया में, क्योंकि वहां पर ह्यूमिडिटी अच्छी खासी है, और उसके साथ ही आपका ये लॉन्ग डे प्लांट है, और मीन टेम्परेचर इसके लिए आपका 26.7 डिग्री सेल्सियस जो इसके लिए क्या होता है रिक्वायर्ड होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इसके लिए 70-80% रिक्वायर्ड होती है। उसके बाद आपका सोयल जो है वेरी सेंसिटिव टू सोयल, यानी कि ये टोबैको जो है सेंसिटिव के प्रति बहुत ज्यादा सोयल है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, क्यों, क्योंकि आपका बेस्ट सोयल जो इसके लिए है वो लाइट वेल ड्रेन्ड एंड प्रॉपरली एरेटेड, क्यों, क्योंकि अगर पानी लॉन्ग टाइम तक अवेलेबल रहेगा तो उस कंडीशन में आपका टोबैको का प्लांट क्या हो सकता है, खराब हो सकता है, और आपने सुना भी होगा कि इसके लिए हम यूज करते हैं आपका यहां पर फ्लॉपिंग, एक टर्म यूज की जाती है कि आपका अगर वाटर लॉगिंग कंडीशन हो जाती है उस केस में आपका टोबैको जो है वो खराब हो जाता है, तो वो टर्म उसके लिए जो यूज की जाती है वो किसके लिए यूज की जाती है, आपकी फ्लॉपिंग यहां पर टोबैको के लिए यूज की जाती है, तो ये कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, इसको आप लोग अलग से लिख सकते हो, ये आपका पीपीटी में मेंशन नहीं किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहां पर है द प्लांट इज हाईली ससेप्टेबल टू इंजरी फ्रॉम फ्लडिंग टू और इनुडेशन ऑफ सॉइल, यानी कि ये आपका क्या है फ्लडिंग के केस में, अभी मैंने बताया है ना, या फिर आपका वहां पर सॉइल का पीएच जो होता है वो आपका कितना है 5-6 जो है पीएच इसके लिए डिजायरेबल पीएच है, या फेवरेबल पीएच है, या ऑप्टिमम पीएच इसके लिए कितना है 5-6। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर तो अगला आपका है कि टोबैको के टाइप क्या है, तो टोबैको अलग अलग टाइप और उनके लिए सोयल का यहाँ पर आपको बताया है। नेक्स्ट सबसे पहले यहाँ पर वर्जीनिया या फ्लूक रिंग जो टोबैको होता है वो क्या होता है उसकी बात करें तो देखो ये आपका ब्राइट टोबैको के नाम से भी जाना जा सकता है, तो क्वेश्चन यहाँ पर आपका आ सकता है कि ब्राइट टोबैको कौन सा है, तो वर्जीनिया टोबैको है ना, जो आपका वर्जीनिया फ्लूक रिंग टोबैको है उसको हम लोग ब्राइट टोबैको के नाम से भी जानते हैं, ये गोल्डन येलो टू डीप ऑरेंज कलर में होता है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो वर्जीनिया टोबैको को हम लोग फ्लू क्यूरिंग के द्वारा क्या करते हैं, उसको जो है हम लोग क्यूरिंग करते हैं, और लीफ आर हंग इनटू क्यूरिंग बार्न, क्यूरिंग बार्न में उनको हंग कर दिया जाता है, और उसके बाद उनको हीट एयर के द्वारा, जो आपकी हीटेड एयर होती है उसके द्वारा उसको ड्राई किया जाता है, और ये आपका अप्रोक्सीमेटली इसकी बात करें तो 3-5 दिन में या अप्रोक्सीमेटली विद इन 1 वीक के अंदर ये क्या हो जाता है पूरा का पूरा ड्राई कर लिया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका है कि बर्ले टोबैको, बर्ले टोबैको को एयर क्यूरिंग ही किया जाता है, और इसमें आपका अप्रोक्सीमेटली 2 महीने तक टाइम लग जाता है, क्योंकि इसको मॉइस्चर को धीरे धीरे क्या किया जाता है आपका जो है वो किया जाता है रिमूव किया जाता है। इसमें बर्ले लोसेस मोस्ट ऑफ द इस नेचुरल शुगर, इसमें से मोस्ट ऑफ नेचुरल शुगर जो है वो क्या हो जाती है आपकी लॉस हो जाती है, एंड डेवलप ए स्ट्रॉन्ग ऑलमोस्ट सिगार लाइक टेस्ट, और इसी के अगर हम बात करें तो आपका सिगार लाइक टेस्ट जो है इसमें से आपका प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट आपका ओरिएंटल टोबैको है, इसको अगर हम बात करें तो ये हाईली एरोमेटिक होता है, और ये आपका सन क्यूरिंग किया जाता है ओपन एयर के अंडर में, ठीक है। तो ये आपको यहां पर पता होना चाहिए कि सन क्यूरिंग किसका करते हैं, हाईली आपका हीटेड जो आपका यहां पर एयर क्यूरिंग किया जाता है वो वर्जीनिया टोबैको के लिए किया जाता है, और लाइट जो आपका यहां पर एयर क्यूरिंग किया जाता है वो बर्ले टोबैको के लिए किया जाता है, तो इन तीनों में आपको डिफरेंस यहां पर क्या है पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका अगला है प्रोडक्शन ऑफ हाई क्वालिटी फ्लू क्यूरिंग वर्जीनिया टोबैको, उसके लिए एक स्पेसिफिकेशन क्या है, तो यहां पर आपका 15-25 सेंटीमीटर डेप्थ आपकी सैंडी सरफेस का होना चाहिए, और बाकी आपका जो है किसका होना चाहिए यहां पर सैंडी या जो आपका येलो उसके लिए 150 सेंटीमीटर डेप्थ तक हो सकता है। नेक्स्ट आपका है एसिड सॉइल, अप्रोक्सीमेटली 5.6 5.5
5 to 6.5 जो होगा वो इसके लिए ऑप्टिमम पीएच होगा ग्रो करवाने के लिए। लो ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट होना चाहिए और वेरी लो क्लोराइड कंटेंट। आप सब लोग जानते हैं कि क्लोराइड जो कंटेंट है वो सोइल में कम होना चाहिए, क्योंकि क्लोराइड अगर फर्टिलाइजर या फिर न्यूट्रिएंट अगर सोइल में अवेलेबल होगा वो आपका टोबैको की बर्निंग क्वालिटी को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। तो ये आपको यहां पर पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ये गलती नॉर्मली हो जाती है कि टोबैको जो है उसके अंदर आपका कौन सा एक फर्टिलाइजर है जो कि हम ज्यादातर अप्लाई नहीं करते हैं। तो क्लोराइड जो आपके कंटेनिंग फर्टिलाइजर्स होते हैं उनको हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। पूछा जाता है कि कितना परसेंट आपका क्लोराइड कंटेंट लीफ के अंदर एक्सपेक्टेड है, मतलब आपका आपने देखा होगा कि क्यूरिंग के बाद उसकी ग्रेडिंग की जाती है। तो ग्रेडिंग के टाइम पर आपका बोला जाता है कि क्लोराइड कंटेंट कभी भी मोर देन 1.5 नहीं होना चाहिए, यानी कि कितना होना चाहिए, लेस देन 1.5% होना चाहिए। बाद में हम बात करेंगे इसकी हार्वेस्टिंग के, लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं इसके बारे में कि हमारा जो फ्लू क्लोरिंग वर्जीनिया है आपका है, इसकी बात करें तो इसमें ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट सोइल में कम होना चाहिए और आपका क्लोराइड कंटेंट भी में कम होना चाहिए। उसके बाद में है कि आपका यहां पर मॉइस्चर कंटेंट, तो मॉइस्चर डेफिनेटली हम लोग सारे ही टोबैको के लिए क्या करते हैं, आपका कंट्रोल करके रखते हैं। नेक्स्ट आपका है HDBRG हार्वेल दे बोक्सो रियो ग्रेंडे टोबैको। ये आपका मेजरली जो है आंध्र प्रदेश रीजन में ग्रो करवाया जाता है, और इसकी अगर हम बात करें तो इसके लिए क्ले लोम, सिल्टी क्ले लोम एंड क्ले हाईली क्ले, अप्रोक्सीमेटली 50-80% क्ले जिसके अंदर होता है वो, और इसको उस एरिया में ग्रो करवाया जाता है मेनली स्लाइटली अल्कलाइन रिएक्शन के अंदर 7.5 to 8.5 में कैलकेरियस सोइल में इसको ग्रो करवाया जाता है। लो इन ऑर्गेनिक कार्बन, रिच इन फर्टिलिटी, ये सोइल की प्रॉपर्टी है सारी की सारी जिसमें इसको ग्रो करवाया जा रहा है। और HDBRG एयर क्यूरिंग टोबैको फॉर ए ब्लेंडिंग इन सिगरेट्स, ये आपका सिगरेट्स में ब्लेंड करने के लिए जो है इसको आपको ग्रो करवाया जाता है। नेक्स्ट है दिस टोबैको वाज फाउंड इन कंटेन हायर लेयर ऑफ सोलेनसोल, यानी कि इसके अंदर एक कंपाउंड आपका, जैसे आपका आप सब लोग जानते हो टोबैको के अंदर मेन कंपाउंड क्या होता है, निकोटीन, वैसे ही एक कंपाउंड इसमें और होता है जिसको हम बोलते हैं सोलेनसोल। तो सोलेनसोल जो है वो इसके अंदर आपका हायर अमाउंट में पाया जाता है, बहुत ज्यादा आपका जो है इसके अंदर अमाउंट प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो यहां पर ये आपका एक सेकंड कंपाउंड है जो कि इसमें अवेलेबल होता है। नेक्स्ट है बर्ले टोबैको। बर्ले टोबैको के बारे में हमने अभी बात की थी वैसे तो, लेकिन इसके बारे में आपका जो सोइल का सिनेरियो है वो इस प्रकार से है कि इसके लिए जो पीएच है वो आपको लेस रिक्वायर्ड है, और इसी के साथ आपका इसमें सॉल्ट जो है वो लेस होने चाहिए, क्लोराइड भी कम होना चाहिए और लाइट टेक्सचर की सोइल, ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट अवेलेबल, नाइट्रोजन एंड अवेलेबल फॉस्फोरस स्ट्रेचर्स आर लो, यानी कि ये सारी चीजें सोइल में क्या होनी चाहिए, आपकी लो अवेलेबल सोइल में इसको ग्रो करवाया जा सकता है। के लिए ये फेवरेबल सोइल की कंडीशन है जिसमें इनको ग्रो करवाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आपकी कल्चरल प्रैक्टिस, जैसे कि यहां पर टॉपिंग की बात की जाती है, और टॉपिंग के साथ आपका एक प्रैक्टिस और है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी सकरिंग। ये आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि टॉपिंग का मतलब क्या है, देखिए टॉपिंग जो होता है वो यहां पर आपका आप देख पा रहे हैं कि ये फ्लावरिंग स्टाफ है, ये आपका एपिकल डोमिनेंस है ना, इसमें डिटर्मिनेंट ग्रोथ होती है विद आपका एपिकल डोमिनेंस है ना, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं ऊपर के पोर्शन को कट कर देते हैं। लेकिन यहां पर टॉपिंग और आपका डी सकरिंग, मैंने क्या बोला, टॉपिंग और डी सकरिंग, ये आपकी दो ऐसी प्रैक्टिस है जो कि साइमल्टेनियसली एक दूसरे के साथ की जाती है। टॉपिंग का कोई मतलब नहीं है अगर आप लोग डी सकरिंग नहीं करोगे, क्योंकि दोनों प्रैक्टिस मैंने क्या बोला, दोनों को कंपोजिट ऑपरेशन के साथ किया जाता है। क्यों, इसके अंदर मेन इसका रीजन जो होता है टॉपिंग करने का और आपका डिसक्रिंग करने का, क्योंकि इससे फायदा क्या होगा कि आपका टोबैको के लीफ के अंदर निकोटीन कंटेंट को इंक्रीज करना प्लस नाइट्रोजन कंटेंट को इंक्रीज करना, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग जो है आपका टॉपिंग और डिसक्रिंग करने का काम करते हैं। ठीक है, इस चीज को आप लोग जरूर याद रखना, क्योंकि कई बार ये चीज आपके माइंड से स्किप हो जाती है, और यहां पर कई बार पूछ लिया जाता है कौन सा केमिकल है जो कि आप लोग डिसक्रिंग के लिए यूज कर सकते हो। तो यहां पर आपका जो नेचुरल कंपाउंड नीम ऑयल जो है, नीम ऑयल इमल्सन जो होता है वो 15-20% कितना, 15-20% हम लोग यूज कर सकते हैं किसके लिए, डी सकरिंग के लिए। अब क्वेश्चन रेज होता है कि सर डी सकरिंग है क्या, तो डी सकरिंग आपका क्या होता है, ये देखिए यहां पर आपके ये जो बड में से लीफ ओरिजिनेट हो रहे हैं ना, ये देखिए क्या बोला गया, आफ्टर टॉपिंग द ऑक्सिलरी बड ग्रो एंड पुट फोर्थ शूट नोन एज सकर। जो यहां पर ये आपका निकल रहा है टॉपिंग करने के बाद, ये जो शूट निकल रही है इनको हम लोग क्या करते हैं, आपका रिमूव करते हैं, और इनको रिमूव करने का प्रोसेस ही हमारा यहां पर क्या कहलाता है, डी सकरिंग कहलाता है।
है और इसका ऑब्जेक्टिव जो होता है टॉपिंग और डिसकरिंग का कि आपका जो एनर्जी है वो आपके फ्लावर से जो है डाइवर्ट करके उसको लीफ में लेके जाना, उसका साइज इंक्रीज करने के लिए, उसकी निकोटीन क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए, उसका नाइट्रोजन कंटेंट इंक्रीज करने के लिए, है ना। और मोस्ट ऑफ टोबैको ग्रोन आर टॉप्ड एंड डीसकर्ड, जितने भी टोबैको होते हैं सारे के सारे टॉप यानी कि उसकी टॉपिंग की जाती है और डीसकरिंग की जाती है। लेकिन एक्सपेक्टेड रैपर टोबैको वेयर टेक्सचर इज मोर इंपॉर्टेंट, जो आपके रैपर टोबैको होते हैं उनमें टेक्सचर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए उनका टॉपिंग और डीसकरिंग नहीं किया जाता। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किस टाइप के टोबैको के अंदर हम लोग जो है आपका डीसकरिंग या फिर टॉपिंग नहीं करते हैं, तो रैपिंग जो आपके टोबैको होते हैं उनमें हम लोग इस प्रैक्टिस को डन नहीं करते हैं। नेक्स्ट आपका यहां पर क्वेश्चन आपका है टाइप ऑफ टोबैको जो है अकॉर्डिंग टू कि उनकी वैरायटीज क्या क्या हैं। तो आपकी अलग अलग जो यहां पर वैरायटीज हैं अलग अलग कंपाउंड की, तो 90 प्लस वैरायटीज हैं इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो, कितनी अप्रोक्सीमेटली 90 प्लस वैरायटीज इंडिया के अंदर प्रेजेंट हैं, ठीक है। उनमें से सबसे ज्यादा जो वैरायटीज है वो किसकी है, फ्लू क्यूरिंग आपका जो वर्जीनिया टोबैको है इसी की है, अप्रोक्सीमेटली 29 के समथिंग वैरायटीज हैं, है ना। तो आप लोग इनको याद कर लेना, यहां से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो पूरा का पूरा और जिसका आपको हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सीजन, अभी कुछ बच्चे क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं। देखिए यार एक चीज मैं आपको बोलता हूं, एक कहते हैं ना कि जल्दबाजी, हर चीज के अंदर कुछ चीजें जो ऐसी होती हैं जो हम जल्दबाजी में ना, हम हमारे क्वेश्चन का आंसर चाहिए, हमें ये मैटर नहीं है कि हम लोग सीख कितना रहे हैं ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग अगर कुछ सीखना चाहते हो तो कॉन्टिन्यूसली एफर्ट करना पड़ेगा, एक दिन से कुछ नहीं होने वाला है ना। कभी भी आप लोग ये चाहते हो कि सक्सेस एक दिन में मिल जाती है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, है ना। अभी प्रेजेंट टाइम में यूपीएससी का रिजल्ट आया है तो यूपीएससी में आपने देखा होगा 3 गर्ल्स हैं, लगातार गर्ल्स का सिनेरियो अगर देखा जाए तो एजुकेशन में बहुत ज्यादा इंक्रीज होता जा रहा है ना। कंटिन्यूअसली हम लोगों ने अगर हम बात करें, हमारे समाज की बात करें, सोसाइटी की बात करें, तो लगातार गर्ल्स को जो है कहीं ना कहीं पीछे रखा गया है बॉयज की रिस्पेक्ट में, लेकिन आज गर्ल्स हर सेक्टर में आगे आ रही है। क्यों? क्योंकि वो अपनी लगन और मेहनत के साथ वर्क करती है और आगे बढ़ती भी है ना। तो इस चीज के अंदर हमें ये देखना पड़ेगा हम लोग कहां बिजी है यार, हम लोग आज इंस्टाग्राम पर बिजी है, हम लोग आज ट्विटर पर बिजी है ना। 2-3 दिन जब तक कोई रिजल्ट आता है तो हमें अंदर जोश आता है कि हाँ यार ये हुआ, आज मैं भी यूपीएससी की तैयारी करूंगा, इसकी तैयारी करूंगा, फलाने के एग्जाम की तैयारी करूंगा, लेकिन इवन दो टाइम के साथ क्या हो जाता है, सारी चीजें मतलब डिस्ट्रॉय होने स्टार्ट हो जाती है। एक यहां पर ना वॉरेन बफेट और जो आपके जितने भी सक्सेसफुल पर्सन है उनसे बार बार पूछा गया कि आप लोगों के सक्सेस के पीछे मेन रीजन क्या था, तो उन्होंने हर बार बोला है कि फोकस वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक यहां पर अगर हम बात करें तो एक इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट आपका यहां पर कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए या फिर अपने टारगेट पर रहने के लिए फोकस एक बहुत जरूरी चीज है, जिसको आपको जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है यूज करना पड़ेगा। आपका जो भी टारगेट है उसको टारगेट में रखकर बाकी सारे डाइवर्जन को साइड कर दो, कुछ भी आ रहा है उसको साइड करते हुए चलो और मेन फोकस के ऊपर बढ़ो, है ना। हम लेसन्स किसको बोल रहे हैं हमें पता ही नहीं है यार, ठीक है। हम आज प्रेजेंट टाइम में कुछ बोलूंगा नहीं यहां पर क्योंकि देखो किसी के बारे में बोलना जाने के बाद गलत होता है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो 7 सोल्जर हमारी सोसाइटी से गए थे, है ना। और 7 सोल्जर जब आपकी सोसाइटी में से गए थे उनके बारे में कंडोलेंसेस बहुत कम लोगों की आई थी, ठीक है। लेकिन कभी कोई पर्सन मर जाता है तो हम लोग उसके पीछे पता नहीं क्यों पागल हो जाते हैं, लेकिन हमारे आर्मी मैन कितने लोग मर रहे हैं, कितने बार बार जो हैं, अब उनके बारे में कौन सोचेगा। हमारी सोसाइटी अलग है यार, हम सब लोग पता नहीं कहां और किस लेवल पे सोच रहे हैं। प्लीज बी ऑन द कंटेंट, बी फोकस्ड विद योर गोल और उसको ही आप लोग यहां पर ध्यान में रखकर आगे बढ़िए, ठीक है। किसी दूसरे के कहने पे, किसी के न्यूज चैनल के सुन के अपनी आपकी क्या है, आपकी खुद की वेरिएबिलिटीज क्या है, आप खुद अपना कितना सोचते हो इसके बारे में आप कब सोचोगे बताइए जरा, आपका खुद का माइंडसेट कहां है, वेयर यू आर लिविंग। किसी के बोलने पे आप किसी को बोल देते हो लेकिन ये कब तक करते रहोगे, अपना खुद का दिमाग कब यूज करोगे ये बताइए पहले। जब तक आप इसको यूज नहीं करोगे तब तक आप यूटिलाइज होते रहोगे, यू आर जस्ट ए कहते ना डोल और कुछ नहीं है, आप लोगों के द्वारा नचाए जाओगे। बट आपको अगर अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने आप को कुछ करियर में बनाना है या किसी को कुछ दिखाना है ना, तो डेफिनेटली आपको दुनिया से अलग होना पड़ेगा, इस भेड़ चाल से अलग होना पड़ेगा, है ना। और ये लेजेंड्स आपके माइंड में जो है ना, वो भगत सिंह को लेकर आओ या फिर जो हमारे इंडियन आर्मी के सोल्जर्स जो हमारे देश के लिए कुछ कर रहे हैं उनके लिए सोचो प्लीज।
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सीजन की बात कर रहे हैं, तो सीजन यहां पर क्या है कि आपका अलग अलग एरियाज में, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बोला कि इसके लिए क्या होता है, आपका एक ड्राई और ह्यूमिड क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट होती है। सो इंडिया के अंदर मई से लेके आपका अक्टूबर तक इसका अलग अलग एरिया में अलग अलग सोइंग टाइम होता है। जैसे अगर हम बात करें साउथ इंडिया में तो इसको मई में भी ग्रो करवाया जाता है, लेकिन हमारा अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें तो यहां पर इसको अक्टूबर में भी ग्रो करवाया जाता है, या आपका अप्रोक्सीमेटली दिसंबर या नवंबर के अराउंड भी इसको ग्रो करवाया जाता है। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें तो वीड मैनेजमेंट, देखो सीजन आर्क्स का हो गया, उसके बाद इसके अंदर वीड मैनेजमेंट आता है। और वीड मैनेजमेंट से पहले एक चीज और बोलना चाहूंगा कि इसके अंदर आपका जो वीड मैनेजमेंट हम लोग करते हैं है ना, तो वो हम अलग अलग प्रैक्टिस से कर सकते हैं ना, या तो हम इंटीग्रेटेड आपका वीड मैनेजमेंट करें या केमिकल वीड मैनेजमेंट करें। लेकिन इसके अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीड जो है, जैसे आपका नॉर्मल जो वीड होते हैं वो इसमें आते हैं, लेकिन आपका मेन वीड इसके अंदर एक बोला जाता है जो कि हमारा कौन सा है, ओरोबंकी है ना। ओरोबंकी एक मोस्ट प्रीडोमिनेंट आपका रूट पैरासिटिक वीड है। क्या है आपका? रूट पैरासिटिक वीड है टोबैको के लिए। ये बहुत ज्यादा लॉस करता है अलग अलग एरियाज में, कुछ एरिया में तो इसका 80-85% लॉस तक देखा गया है ड्यू टू आपके ओरोबंकी। तो इसके अंदर मेन प्रॉब्लम वीड पूछा जाता है कई बार कि ओरोबंकी कौन सी क्रॉप के अंदर मेन रूट पैरासिटिक वीड है, तो दैट इज द टोबैको, कि टोबैको के अंदर ये मेनली क्या करता है, आपका अटैक करता है। तो इस चीज को हमें समझना पड़ेगा है ना, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और कंट्रोल करने के लिए जो आपका मेन प्रैक्टिस है वो हम लोग यहां पर क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो आपका यहां पर एक रैबिंग प्रैक्टिस के बारे में आपने सुना होगा। रैबिंग हम लोग क्या किस में करते हैं? टोबैको में करते हैं। किस में करते हैं? टोबैको में। और क्यों करते हैं रैबिंग? रैबिंग इसलिए करते हैं क्योंकि आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी कि हमारा यहां पर टोबैको का जो प्लांट होता है उसमें एक तो वीड अटैक करते हैं, दूसरा इसके अंदर टोबैको मोज़ेक वायरस और टोबैको नेक्रोसिस वायरस, ये दोनों ही इसके अंदर मेजरली अटैक करते हैं। तो हम लोग करते क्या है कि जो आपका नर्सरी का एरिया होता है जिसके अंदर हम लोग नर्सरी ग्रो करवाते हैं आपके टोबैको के फील्ड के लिए, उस नर्सरी एरिया में हम लोग पहले आपका प्लांट रेजिड्यू को बर्न आउट करते हैं, जिससे होता क्या है कि आपका एक तो वीड के सीड होंगे वो भी खत्म हो जाएंगे, प्लस में आपके जो वायरस या फिर फंगस जो या डिजीज के जो स्पोर हैं वो वहां पर क्या हो जाएंगे, किल आउट हो जाएंगे। और जिससे आपका फील्ड में जब हम क्रॉप को ट्रांसप्लांट करेंगे तो उसमें डिजीज और आपके वीड और इंसेक्ट का जो चांसेस रहेगा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और इसीलिए हम नर्सरी एरिया में, अब देखो कुछ लोग बोलेंगे कि सिर्फ बर्निंग आउट करेंगे तो उससे नुकसान नहीं होगा क्या, एनवायरनमेंट पोल्यूट नहीं होगा, और इसमें हम लोग क्यों रिकमेंड कर रहे हैं? देखो वैसे तो कोई भी क्रॉप जो होती है ना उसके अंदर इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए हमें क्रॉप रोटेशन को फॉलो करना चाहिए। क्रॉप रोटेशन या इंटीग्रेटेड फार्मिंग है ना, ये आपके बेस्ट मेथड है जिसके द्वारा हम लोग वीड डिजीज इन लोगों इन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि इससे डाइवर्सिटी जो होती है मेंटेन रहती है। लेकिन मोनोक्रॉपिंग जो एरियाज होते हैं उनके अंदर ज्यादातर ये प्रॉब्लम देखी जाती है, क्योंकि मोनोक्रॉपिंग एरिया के अंदर आप लोग बाकी और कोई क्रॉप ग्रो करवाते नहीं हो, और मेजरली जो आपके टोबैको के डिजीज या टोबैको के जो इंसेक्ट पेस्ट होते हैं वही उसके अंदर क्या करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली अटैक करते रहते हैं। और उसी की वजह से अगर हम बात करें तो आपका यहां पर इसको हमें क्या करना चाहिए, कंट्रोल प्रॉपर्ली जो है, अगर हम इसमें मोनोक्रॉपिंग एरिया में अगर कंट्रोल करना चाहते हैं तो हम लोग वहां पर रैबिंग करना पड़ेगा, बर्निंग आउट करना पड़ेगा, प्लांट रेजिड्यू को बर्न आउट करना पड़ेगा, और उसी से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमेशा याद रखना कि जो आपका रैबिंग है वो यहां पर क्या किया जाएगा, प्रैक्टिस डन किया जाएगा, ठीक है। और रैबिंग जो किया जाता है वो क्यों किया जाता है, मैंने ऑलरेडी बता दिया, वीड को या फिर डिजीज इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए हम जो है रैबिंग प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन इसमें याद रखना केवल नर्सरी एरिया के अंदर ही हम लोग क्या करते हैं, आपका प्लांट रेजिड्यू को बर्न आउट करते हैं, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका यहां पर जो है रैबिंग प्रैक्टिस बोलते हैं। चलिए अगला हम यहां पर पढ़ते हैं हार्वेस्टिंग। देखिए हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कि आपका जो प्लांट है उसको कब हार्वेस्ट किया जाएगा। और आप लोग जानते हो टोबैको के अंदर लीफ जो है उसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो यहां पर लीफ को जो हार्वेस्ट किया जाएगा उसके अंदर दो प्रैक्टिस बोली जाती है, दो मेथड बोले जाते हैं। एक मेथड है आपका प्राइमिंग और एक है आपका स्टार्क कट मेथड। देखो ध्यान से सुनना, एक प्राइमिंग मेथड है और एक स्टार्क कट मेथड है। प्राइमिंग का अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसमें आपका एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस के साथ हम लोग जो है उसको आपका हार्वेस्ट करते हैं। मैंने क्या बोला, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस के साथ हम लोग क्या करते हैं, उसको हार्वेस्ट करते हैं। और प्राइमिंग क्यों किया जाता है, प्राइमिंग का करने का रीजन क्या है, तो उस चीज को हमें समझना पड़ेगा कि आपका इसको खासकर जो है आपका यहां पर जो सिगरेट या फिर जो रैपर टोबैको होते हैं उनको बनाने के लिए इसको जो है प्राइमिंग प्रैक्टिस को डन करते हैं। लेकिन जो आपका स्टॉक कट मेथड है वो यहां पर जो है किसके लिए यूज किया जाता है, सिगार चिरूट च्विंग बीड़ी हुक्का के लिए जो हम इसको स्टॉक कट मेथड को फॉलो करते हैं। तो मैं आपको यहां पर बता दूं कि प्राइमिंग के अंदर हम लोग करते क्या है, प्राइमिंग जो होती है फर्स्ट प्राइमिंग,
पहली प्राइमिंग आपकी 75 डेज के अप्रोक्सीमेट होती है, कब, आपकी सोइंग से लेके, है ना, उससे लेके 75 दिन के बाद हम लोग पहली प्राइमिंग करते हैं। जैसे जैसे नीचे की लीफ आपके जल्दी मैच्योर होते जाएंगे, वैसे वैसे हम लोग क्या करते जाएंगे, उसकी हार्वेस्टिंग करते जाएंगे, और उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका प्राइमिंग बोलते हैं। तो प्राइमिंग के बारे में याद रखना कि प्राइमिंग क्या है, एक टोबैको के अंदर हार्वेस्टिंग टेक्निक है जो कि कॉन्टिन्यूस हार्वेस्टिंग होती है, है ना। तो इसमें जैसे जैसे आप लोग सब जानते हैं कि प्लांट के अंदर नीचे के लीफ पहले मैच्योर हो जाते हैं और ऊपर के लीफ बाद में मैच्योर होते हैं, और इसीलिए नीचे के लीफ को पहले हार्वेस्ट कर लिया जाएगा, टाइमली हार्वेस्ट कर लिया जाएगा, फिर आपका इसको हार्वेस्ट किया जाएगा, फिर आपका इसको हार्वेस्ट किया जाएगा। ये हमारा क्या है, प्राइमिंग प्रोसेस है। लेकिन एक आपका इसमें होता है स्टॉक कट मेथड। इसमें क्या होता है, पूरा का पूरा प्लांट कंप्लीट जब वो मैच्योर हो जाता है तो उस समय हम कंप्लीट प्लांट को क्या कर लेते हैं, सारे को काटकर और फील्ड में एक नाइट के लिए विल्टिंग होने के लिए छोड़ देते हैं, और उसके बाद उसको हम लोग जो है अपनी क्यूरिंग प्रोसेस के लिए भेज देते हैं। क्यूरिंग क्या है, क्यूरिंग एक आफ्टर हार्वेस्टिंग प्रोसेस है, उसको प्रॉपरली जो है बनाने के लिए, तैयार करने के लिए, कि किस पर्पज के लिए हम लोग उसको यूज कर रहे हैं। और क्यूरिंग आपको याद होगा, जैसे हम लोगों ने फ्लू क्यूरिंग किया था, या फिर एयर क्यूरिंग किया था, या फिर सन क्यूरिंग किया था, याद है। अब आप लोग बोलोगे सर जो फ्लू क्यूरिंग यानी कि जो आपका हीटेड एयर में हम लोग जो क्यूरिंग करते हैं वो हम लोग करते हैं वर्जीनिया, जो आपका फ्लू क्यूरिंग वर्जीनिया टोबैको होता है। सेकंड हम लोगों को याद होगा कि बर्ले जो आपका टोबैको था उसको हम लोग जो है क्या कर रहे थे, एयर क्यूरिंग कर रहे थे, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर के साथ और आपका ओपन एयर के अंदर, एक रूम के अंदर। दूसरा हम लोग जो यहां पर कर रहे थे वो हमारा किया जा रहा था जो आपका सन क्यूरिंग है ना, सन क्यूरिंग की बात करें तो वो हम लोग सन में ही उसको ड्राई करते हैं, उसमें से मॉइस्चर को लॉस करते हैं। अलग अलग का अलग अलग पर्पज होता है, अलग अलग पर्पज के अकॉर्डिंग उसको हम लोग ड्राई करेंगे। और लीफ के अंदर एक चीज इंपॉर्टेंट ये होती है कि उसका कलर, टेक्चर और एरोमा, ये तीनों ही डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। यानी कि आपका जैसे अगर हम बात करें क्यूरिंग की, तो क्यूरिंग मेनली टी और टोबैको में देखा जाता है। किसमें देखा जाता है, आपका टी और टोबैको। और टी और टोबैको दोनों की ही अगर हम बात करें तो इसमें आपको पता होगा कि हमारा दोनों में ही जो आपका क्यूरिंग होता है, क्यूरिंग का मतलब ये होता है कि उसका कलर, सबसे पहले जो आपका इनका लीफ का कलर है वो मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर जो एरोमा है वो आपका मेंटेन होना चाहिए, और तीसरा यहां पर अगर हम बात करें तो आपका टेक्चर, ये तीनों चीजें इसमें क्या होनी चाहिए, मेंटेन होना चाहिए। और इसको मेंटेन करने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, आपका क्यूरिंग प्रोसेस के थ्रू हम लोग इनको ड्राई करने का काम करते हैं। तो ये चीज आपके माइंड में होनी चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, किसके रिलेटेड कर रहे हैं, है ना। तो कई बार क्वेश्चन यहां से आपका एग्जाम में आ जाता है। तो क्यूरिंग आपका एक क्या है, स्लो प्रोसेस है जिसके अंदर हम मॉइस्चर को रिमूव करते हैं लीफ में से, ठीक है। चलिए उसके बाद में है आपका ग्रेडिंग। ग्रेडिंग प्रोसेस जो होता है वही बात है कि इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, आपकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग फिर उसको हम लोग जो जैसे सिगार के लिए यूज करना है, हमने सिगरेट के लिए यूज करना है, उसको आपने हुक्का के लिए यूज करना है, स्विंग के पर्पज के लिए यूज करना है, तो पर्पज के अकॉर्डिंग हम उनको क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, है ना। तो ये हमारा यहां पर क्या हुआ कि इनका मेन प्रैक्टिस सन हुआ। उसके बाद में अगर हम बात करें तो इनको हार्वेस्टिंग के बाद, अब फॉर एग्जांपल अगर इनको हार्वेस्ट कर लेते हैं तो हार्वेस्टिंग करने के बाद इसमें आपका ऑयल कंटेंट, क्योंकि देखो लीफ जो है वो तो हमने यूज कर लिया, अगर हम इसका सीड यूज करते हैं तो सीड में आपका कितना होना चाहिए, लीफ में निकोटीन कंटेंट कितना होना चाहिए। तो याद रखना कि हमारा जो लीफ है आपके टोबैको के लीफ में निकोटीन कंटेंट जो खासकर फ्लू क्यूरिंग जो आपका वर्जीनिया टोबैको है उसमें बोला जाता है कि 1.5 से लेके 2% तक आपका निकोटीन कंटेंट हो सकता है। कितना, 1.5 से लेके 2% तक निकोटीन कंटेंट हो सकता है। और आपका जो क्लोराइड कंटेंट है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि इसके अंदर हम बात करें तो आपका कितना होना चाहिए, लेस देन 1.5% होना चाहिए, किसमें, लीफ की बात की जा रही है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका जो इसके अंदर कभी भी जो आपका निकोटीन है वो कभी भी मोर देन 5% नहीं होना चाहिए, निकोटीन कंटेंट कभी भी मोर देन 5% आपका नहीं होना चाहिए। और इसके साथ अगर एक चीज और बात करना चाहें हम यहां पर, तो ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारा टोबैको है उसका अगर हम सीड को यूज करते हैं तो सीड जो आपका है उसमें 35-39% ऑयल कंटेंट होता है। तो कई बार पूछ लेते हैं कि जो टोबैको का सीड है उसमें ऑयल कंटेंट कितना होता है, तो 35-39% ऑयल कंटेंट होता है टोबैको के सीड के अंदर, ठीक है। और उसका माना जाता है कि मस्टर्ड और इनसे भी बेटर आपका कहीं ना कहीं सैफ्लावर के कंपैरिजन में इसका जो है ऑयल कंटेंट आपका माना जाता है, ठीक है, अच्छा ऑयल कंटेंट माना जाता है क्योंकि उसमें निकोटीन कंटेंट नहीं होता, ठीक है। तो ये आपका यहां पर क्या है, सीड के रिलेटेड कहानी है। अब अगर हम बात करें तो टोबैको के अंदर आपके अलग अलग डिजीज अटैक करते हैं, टोबैको के अंदर अलग अलग आपके इंसेक्ट अटैक करते हैं,
तो इंसेक्ट की अगर हम बात करें तो टोबैको के अंदर मेजरली इंसेक्ट जो अटैक करते हैं, मेजरली जो डिजीज अटैक करते हैं वो कौन कौन से हैं? तो आपके टोबैको के अंदर जो इंसेक्ट है वो सबसे पहले है टोबैको कैटरपिलर। कौन सा है आपका? टोबैको कैटरपिलर। उसके बाद में अगर हम बात करें तो उसके नेक्स्ट आपका है वाइट फ्लाई। जो वाइट फ्लाई है वो भी आपका बेबेसिया, जो टेबेसिया ही है वो इसके अंदर क्या करती है? अटैक करती है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो टोबैको के अंदर आपका स्टेम बोरर जो है वो भी अटैक करता है। क्या करता है आपका? स्टेम बोरर भी इसके अंदर एक मेन इंसेक्ट है जो कि इसमें क्या करता है? अटैक करता है, क्योंकि ये आपके कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद आपका कैप्सूल बोरर भी एक इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है, और यहां पर आपका जो कैप्सूल बोरर है, कैप्सूल बोरर ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है। ये आपके टोबैको के क्या हुए? इंसेक्ट हुए। उसके बाद में अगर हम बात करें तो टोबैको के अंदर डिजीज आते हैं। डिजीज में मेनली आपका आता है डैम्पिंग ऑफ कॉलर रोट, है ना। डैम्पिंग ऑफ जो है वो भी सीडलिंग स्टेज में अटैक करता है। उसके अलावा एंथ्राकोनेज है वो भी आपका सीडलिंग या नर्सरी स्टेज में अटैक करेगा। कॉलर रोट जो आपका स्क्लेरोसियम रोलेप्साई अटैक करता है। और फ्रॉग आई स्पॉट, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि फ्रॉग आई स्पॉट किसका मेजर आपका यहां पर डिजीज है? तो फ्रॉग आई स्पॉट जो एक फंगल डिजीज है जो कि किसमें होता है? टोबैको में होता है। तो कई बार ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, इसको जरूर लिख लेना, है ना, क्योंकि कॉमनली क्वेश्चन जो है आपके जो भी आते हैं उनको आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद में इसमें एक रूट नोट नेमाटोड भी आपका क्या करता है? अटैक कर सकता है। तो इसको आप लोग यहां पर माइंड में रखें, है ना, कि यहां पर आपका कौन सा डिजीज या कौन सा बाकी इसके बारे में डिजीज इंसेक्ट और आपका जो ये डिसऑर्डर होते हैं उनके बारे में कंप्लीट एक वीडियो पूरा का पूरा अलग से लेके आएंगे हर क्रॉप के लिए। लेकिन अभी तक के लिए आपका जो टोबैको का पार्ट है उसको कोशिश की कि जितना हो सके आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए, उसकी वैरायटीज के लिए बारे, उसकी जो आपके मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं या फिर उसके अंदर जो आप लोग उसको क्यूरिंग वगैरह करते हो तो क्यूरिंग किस प्रकार से, उसके डिफरेंट टाइप, उसकी वैरायटीज, है ना, और इसका जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और आज वर्ल्ड नो टोबैको डे था, तो डेफिनेटली इस चीज को आप लोगों ने समझा, अच्छे से जान लिया होगा। और उसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप इसी प्रकार से वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहना, और आगे की वीडियोस में इसी प्रकार के आपके और भी फैक्ट और क्वेश्चंस को लेके आते रहेंगे ताकि आपके आने वाले एग्जाम्स में ये आपकी हेल्प कर सके। और इतना बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोग हमारे नए बैच के साथ जुड़ना चाहते हो जो कि आपका 20 जून से स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए आप अभी से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। और इसके अंदर हम प्रोवाइड आपको करवाएंगे एक फाउंडेशन कोर्स से लेके आपका एडवांस कोर्स तक, यानी इसके अंदर कंप्लीट आपका कवर किया जाएगा, हर चीज को एक प्रॉपर मतलब मेंटेनेंस के साथ इसको कवर किया जाएगा ताकि आपको हर चीज प्रॉपरली मिले। क्योंकि बहुत बार क्या होता है बच्चों के साथ एक चीज गलत हो जाती है, वो ये गलत होती है कि उनको मतलब दिया कुछ नहीं जाता, है ना। बच्चे खासकर प्री और मेंस के चक्कर में उलझे हुए हैं कि उनको एक साथ में मिल जाता है, लेकिन बार बार बोला जा रहा है कि मेंस के अंदर क्वालिटी दे रहे हैं तो आपको 100% क्वालिटी जहां पर रिक्वायरमेंट है वो आपको मिल रही है, और उसमें भी क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी फैकल्टी, क्वालिटी आपका टेस्ट सीरीज, है ना, ये सब चीजें आपको क्वालिटी के साथ, है ना, हर चीज के अंदर एक प्रॉपर ऑथेंटिसिटी जो है वो आपकी अवेलेबल है। और किसी प्रकार का डाउट है तो आपका सोल्व आउट किया जाता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बाकी आपकी मर्जी है कि आपने कहां, क्योंकि जहां पर आपको सूटेबल लगता है वहां पर आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। तो इसी के साथ बाकी और भी डाउट हो आपको तो आप उन चीजों को पूछ सकते हैं, चाहे कमेंट बॉक्स में पूछिए या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।